किस नेता को देखने आए हैं? क्या नाम है? क्या नाम है आपका? खदेरू निषाद। खदेरू निषाद सिद्धार्थ नगर से आए हैं? सिद्धार्थ नगर से। तो किसको देखने यहाँ पे आए हैं? वे आए हैं साहब को देखने। साहब कौन साहब? कौन साहब को देखने आए हैं आप? मुकेश। गठबंधन इसलिए कर दिए वो भाजपा सरकार से, इसलिए हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर मुकेश सहनी और डॉक्टर संजय कुमार निषाद दोनों मिलकर अगर एक साथ इलेक्शन लड़ते तो हम लोग साथ देते। और अगर आरक्षण की लड़ाई लड़े होते डॉक्टर संजय निषाद को अपना घर नजर आता है, अपने लड़के नजर आते हैं। देखिए माननीय मंत्री जी कहें कि अगर आरक्षण पे कोई बात बनेगी तो उस पर हमारा गठबंधन होगा, नहीं तो 165 सीटों पे हम लोग स्वयं चुनाव लड़ेंगे। नदी गढ़ा ताल जो भी बालू हुआ, जो भी खनन हुआ, वो हम लोगों को नहीं मिल रहा है। दूसरे समाज के लोग उसको कर रहे हैं, बताइए हम लोग सबसे पीछे हैं। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं यार, और मैं हूँ आपके साथ विक्की सिंह। सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाने वाले मुकेश सहनी जी, जो कि संस्थापक हैं वीआईपी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के, आज उनका जनचेतना रैली है और यहां से वो आरक्षण के मुद्दे पे पूरे निषाद वोटरों को और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ऐसे में हमारे साथ कई कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं और हमसे जुड़ चुके हैं। हम इनसे जानेंगे किस प्रकार का ये जनचेतना रैली है जो कि आगरा से शुरू हुआ था और आज इसका समापन गोरखपुर में होने वाला है। तो ऐसे में यहाँ के जो निषाद वोटर हैं, क्योंकि अलग अलग पार्टियाँ, जैसे निषाद, चाहे डॉक्टर संजय निषाद जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, अलग अलग तरीके से निषाद वोटरों को रिझाने में लगे हुए हैं। ऐसे में वीआईपी पार्टी जो कि बिहार से सृजन हुई इस पार्टी का, और गोरखपुर में कितना प्रभाव डाल पाएगी 2022 के चुनाव, विधानसभा चुनाव में, हम जानेंगे। कुछ कार्यकर्ता हमारे यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे जानेंगे किस प्रकार का प्रभाव रहेगा गोरखपुर में और क्या निषाद पार्टी वोटर जो हैं वो वीआईपी पार्टी के साथ जुड़ेंगे या नहीं। क्या नाम है सर आपका? चंदू सहनी। ये बताइए किस प्रकार की ये जनचेतना रैली, क्या प्रभाव और क्या उद्देश्य डाल पाएगी गोरखपुर की जनता पर? माननीय मंत्री जी मुकेश सहनी जी हैं हमारे नेता और प्रदेश में आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग उनके तन मन धन हर चीज़ से हम लोग उनके लगे हुए हैं। और गोरखपुर में उनका पहला आगमन है और एक विशाल रैली कर रहे हैं जो तकरीबन 50,000 की संख्या में लोग आए हुए हैं और लोग आ रहे हैं, थोड़े रास्ते में भीड़ उड़ चल रहा है। और ये जनचेतना रैली है आरक्षण के लिए। आरक्षण हम निषाद समाज के हैं, हमको हर कीमत पे चाहिए आरक्षण। इसके लिए मंत्री जी ने जो है एक पहल किया है और हम लोग उनको सहयोग कर रहे हैं, उनके साथ हैं और पूरा गोरखपुर उसको आने वाले समय में साथ होने वाला है। और आखिर डॉक्टर संजय निषाद से आप लोग क्यों प्रभावित नहीं है? क्या डॉक्टर संजय निषाद जो निषादों के गॉड ऑफ फादर कह जाते हैं, क्या लगता है उनके साथ जुड़ाव क्यों नहीं? देखिए डॉक्टर संजय निषाद के साथ सारे लोग जुटे हुए थे पहले, मंत्री जी भी नहीं आते हैं। और अगर आरक्षण की लड़ाई लड़े होते डॉक्टर संजय निषाद को अपना घर नजर आता है, अपने लड़के नजर आते हैं, उनको जो भी चीज़ होता है वो सिर्फ अपने घर के आसपास ही करते हैं। हम लोगों ने बहुत उनके लिए मेहनत किया है, बहुत संघर्ष किया है, मगर उसके बावजूद भी जब भी कोई मामला होता है वो अपने मन से हर डिसीजन ले लेते हैं। कभी किसी कमेटी से चाहे किसी से कोई बात नहीं करते हैं, समाज से नहीं पूछते हैं, समाज को अपना गुलाम समझने लगे हैं। इसके वजह से हम लोग जो है कि माननीय मंत्री जी को बिहार से गए, बिहार से फिर हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो वो उत्तर प्रदेश में आए हुए हैं और उनके माध्यम से हम लोगों का आरक्षण मिलने की हमको पूरी उम्मीद है। कितनी देर में यहाँ पर पहुँचेंगे मुकेश सहनी जी? मैक्सिमम 15-20 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे ग्राउंड पे, बस्ती क्रॉस कर चुके हैं। अच्छा, बस्ती क्रॉस कर हेलीकॉप्टर से यहाँ पे? हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। अच्छा, और किस प्रकार से और क्या ऐसा मतलब अकेले चुनाव लड़ने का इरादा है या फिर गठबंधन के? देखिए माननीय मंत्री जी कहें कि अगर आरक्षण पे कोई बात बनेगी तो उस पे हमारा गठबंधन होगा, नहीं तो 165 सीटों पे हम लोग स्वयं चुनाव लड़ेंगे जी, अकेले। के मुद्दे से अगर बात बनेगी तभी जो है तभी गठबंधन होगा। अभी तो मंत्री जी का किसी भी पार्टी को बिहार में देखा जा रहा है तो NDA से गठबंधन है, तो यहाँ पे क्या लगता है कि यहाँ पे भी अगर हमारी बातों को मानी जाएगी तो हम उस पे जो है हम लोग जो है मंत्री जी का कहना है कि हम उसके साथ अगर बीजेपी यहाँ तैयार हो जाएगी तो हम लोग उसके साथ किस प्रकार से जनचेतना रैली जो है प्रभाव डाल पाएगी गोरखपुर के निषाद वोटरों रैली? ये निषाद वोटरों के लिए बहुत बड़ी रैली होने वाली है, आगे अभी तो स्टार्ट है ये, ठीक है, अभी आगे देखिए क्या होता है, अभी तो स्टार्ट है। अगर जो हम लोगों को जो आरक्षण के लिए जो है यहाँ पे सपोर्ट करेगा उसके साथ में हमारी पार्टी हमेशा साथ में रहेगी और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे समाज को एक आरक्षण मिले और हमारा समाज उस आरक्षण का लाभ ले। एक बड़ा मुद्दा यही आरक्षण के रूप में? आरक्षण के रूप में ही बड़ा मुद्दा है, इसीलिए यहाँ पे ये रैली रखी गई है। आगे और भी तमाम तरह की कई बड़ी रैलियाँ रखी जाएंगी। ये किस प्रकार की रैली में आए हैं, कहाँ आए हैं आप? निषादों के संगठन के लिए आए हैं। किस नेता को देखने आए हैं? क्या नाम है? मुकेश सहनी जी को।
क्या लगता है किस मुद्दे पे यहाँ पे बात होगी, किस मुद्दे पे संबोधन होगा? बिरादरी का संबोधन होगा कि यहाँ इकट्ठा होकर अपना चुनाव जीतना है। तो यहाँ पे वीआईपी पार्टी के वो समर्थक हैं यहाँ पे, और क्या नाम है आपका? खदेरू निषाद। खदेरू निषाद सिद्धार्थनगर से आए हैं? सिद्धार्थनगर से। तो किसको देखने यहाँ पे आए हैं? वे आए हैं साहब को देखने। साहब कौन साहब? कौन साहब को देखने आए हैं आप? मुकेश सहनी जी को। किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार 2022 के चुनाव में? मुकेश सहनी को। अच्छा ये बताइए, डॉक्टर संजय निषाद को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? हम तो बीजेपी से गठबंधन भी कर दिए हैं, इतनी बड़ी पार्टी है, क्यों गठबंधन इसलिए कर दिए वो भाजपा सरकार से, इसलिए हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर मुकेश सहनी और डॉक्टर संजय कुमार निषाद दोनों मिलकर अगर एक साथ इलेक्शन लड़ते तो हम लोग साथ देते। अच्छा। लेकिन उन्होंने भाजपा में गठबंधन कर लिया, इसलिए हम लोग नहीं देंगे। सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाने वाले मुकेश सहनी जी, अब बिहार में चूंकि उनका उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा है, चार सीटों पे उनको जीत मिली है, क्या लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे तो अभी तो छोटी पार्टी ही उभर के सामने आएगी ना उत्तर प्रदेश में, ऐसे में क्या लगता है कि 2022 के चुनाव में प्रभुत्व जमा पाएंगे? जी जब बिहार हम लोग साथ देंगे तभी जमा पाएंगे ना। अच्छा। और हम लोग साथ के हैं, साथ देने के लिए। किस मुद्दे पे आप लोग साथ हैं? आरक्षण का क्या मुद्दा है आप लोग का? अब आरक्षण के लिए जो हम लोगों का हक अधिकार है उसको मिलना चाहिए। यहाँ पे संबोधन आरक्षण के लिए ही करने वाले हैं जी। हाँ। अब हक अधिकार जो भी उसको मिलना चाहिए, नदी गढ़ा ताल जो भी बालू हुआ, जो भी खनन हुआ, वो हम लोगों को नहीं मिल रहा है। दूसरे समाज के लोग उसको कर रहे हैं, बताइए हम लोग सबसे पीछे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आरक्षण जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा निषाद वोटरों के लिए है, और जो भी निषाद पार्टी के वोटरों को रिझाना चाहता है उसके लिए अगर आरक्षण जो है उनके लिए सही हो जाए तो आरत पार्टी निषाद वोटरों का वोट उन्हें मिल सकता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2022 में कौन ऐसी पार्टियाँ हैं या फिर कौन ऐसा नेता है जो निषाद वोटरों को रिझाने में सक्षम रहेगा।